58 किलो की एक सोहनी दिख वाली कुड़ी 85 किलो की एक औरत बन गई। मेरे गुआढ़ की एक औरत ने मैंने एक बार कहा, कुड़िए गल सुन, आ दूरदर्शन वाले इनिया मोटिया मोटिया कुड़ियां भी एंकर रख लेंदे ने। मैनू लगा शायद ये मेरी टीवी लाइन का, मेरे मीडिया करियर का अंत है। ये गल्लां करन लग पए कि शाइना एक फेलियर है। उसने पूछा, शाइना आजकल की कर रही है? मैं क्या घरे हुंदी हां। कहंदी अच्छा, वेली रोटियां तोड़दी हैं। जदों मैं अपने आप नूं भोखण दी कोशिश कीती तां मैं देखिया मैं एक नहीं अनेक हाँ। अनेका रंगां च रंगी मेरी जिंदगी किसी इंद्र धनुष नालों घट नहीं। वो गल अलग है कि कई बार ये इंद्र धनुष घुप हनेरे विच गुआच गया, पर फिर एक नवीं सवेर हुई, फिर मीह पिया, फिर धुप लिशकी ते फिर इस इंद्र धनुष दे रंग होर भी गूढ़े हो गए। मैं इस इंद्र धनुष दे रंगां वांग तुहानूं दिसदी रहांगी। मैं अड अड किरदारां दे विच तुहानूं मिलांगी, क्योंकि मैं एक नहीं अनेक हाँ। तुसी कहोगे अज ये कुड़ी किहड़ी बुझारत बुझा रही है। बिल्कुल सही, मैं अज इत्थे एक बुझारत बुझाउणी आई हां। ये वो बुझारत है जिहड़ी तुहाडे विचों हर एक नूं कदे ना कदे जरूर पुछी गई है। मैनूं याद करके दसो, तुसी किन्ने साल दे सी जदों तुहानूं पहली वारे पुछया गया सी कि बेटा तू वड्डा होके की बनना है? 3 साल दे, 5 साल दे, 6 साल दे? शायद इसे उम्रे मैनूं भी इह सवाल पुछया गया सी ते पता है मेरा जवाब की सी? मेरा जवाब सी, मैं बहुत कुछ बनना है। मेरे परिवार दे लोग ये सुन के हंसे जरूर होंगे, पर उन्होंने ये नहीं सी पता कि ये मेरी जिंदगी दी सच्चाई होने वाली है। साडे समाज दे विच सानू वार-वार ये पूछया जांदा है, दस्या जांदा है, समझाया जांदा है कि वड्डे होके कुछ बनना है, यानी कि एक किता अपनाउणा है। ते जेकर तुसी एक किते दे विच वड़ गए फिर तुसी तां उम्र उसे नाल ही जुड़े रहना है। जे किसी भी मौके तुसी उस किते तो भटके तां उहदा मतलब ये मन्निया जांदा है कि तुसी एक फेलियर हो। मेरी जिंदगी के तजुर्बे भी इसे तरह के रहे हैं। 17.5 साल की उम्र दे विच मैनूं ऑल इंडिया रेडियो दे विच आरजे बनन का मौका मिला। मैं FM रेनबो दे विच मॉर्निंग शो एंकर वजों काम कर रही सी। इस छोटी जी उम्र दे विच इन्ना काम मेरे आत्म विश्वास नूं वधा रिहा सी। मैं हर एक शो नूं पूरी शिद्दत दे नाल करदी सी, पूरी पूरी रात जाग के स्क्रिप्टां लिखदी सी। मेरी इस मेहनत की चर्चा दूरदर्शन जलंधर तक भी पहुँच गई ते एक प्रोड्यूसर ने मैनू दूरदर्शन के मॉर्निंग शो की एंकर वजों आने का मौका दिता। मैनू याद है उस साल पंजाब भर के घट्टो घट्ट 450 लोगों ने उस शो वास्ते ऑडिशन दिते सी, जिस विच सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट होए सी। उन्हां विचों एक मैं भी सी। मेरा आत्म विश्वास होर ज़्यादा वध गया, पर मैनू ये लगन लगा कि यही मेरा असल किता है। मैं एक आरजे या एक टीवी एंकर बनने वास्ते ही पैदा हुई हाँ। नाल दी नाल मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। MA जर्नलिज्म करदियां होइयां अक्सर मेरे नाल दे विद्यार्थी मैनूं कहंदे सन, शाइना तैनूं पता तेरे विच ना अध्यापक वाले गुण ने। जिहड़ियां गल्लां जिहड़े टॉपिक सानूं टीचरां तों समझ नहीं आउंदे ना, सानूं ओह तेरे कोलों समझ आउंदे ने। तूं इदां कर, तूं मैडम लग जा। भावें ओह गल हासे च कहंदे सी, पर किते ना किते इह गल मेरा मन भी जाणदा सी कि मैं एक चंगी अध्यापक हां। मैं बहुता ना सोचते हुए UGC NET का टेस्ट दिता। मैं दसना चाहवांगी कि UGC NET कॉलेज के प्रोफैसर बनने का एक नैशनल लैवल टेस्ट होंगे। बहुत सारे लोग बहुत बार ये टेस्ट देंगे ने, पर वो इनू पास नहीं कर पाते। क्योंकि मैनू पढ़ाई नाल बहुत प्यार सी, हर एक काम नाल प्यार सी, सो मैं पहली बार च ये टेस्ट क्लीयर कर लिया। मेरे अध्यापकों लिए एक बहुत ही खुशी का मौका सी। मेरे एक टीचर ने मैनू अपने ऑफिस बुला के कहा कि तेरे वर्गे अध्यापकों की सानू लोड़ है, आ जा यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लै, हुण तू साडे नाल पढ़ा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैनू लग रहा सी मैं जिंदगी बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं अपने आप एक पैटर्न नोटिस कर रही सी। मैं हर एक काम नूं बड़ी शिद्दत नाल करदी सी। मैं एक चीज़ सीखदी, पूरी तरह उस विच वड़ जांदी। जदों उस च महारत हासिल कर लैंदी, फिर मैनू लगदा चलो कुछ नया करिए। हुण मैं एक टीचर सी, एक टीवी एंकर सी। मैनू एक इंटरनैशनल पंजाबी टीवी चैनल भी काम करने का मौका मिलिया, जिथे मैं पंजाब दियाँ बहुत वड्डियां शख्सियतां दियां इंटरव्यूज़ कीतियां। मैं पंजाब के बहुत सारे साहित्यकारां नाल रूबरू हुई। इस तो अलावा बहुत सारे कलाकार जिवें कि कुलदीप मानक, वरियाम सिंह संधू, गिप्पी गरेवाल, दिलजीत दोसांझ ते बहुत सारे कलाकारां दी इंटरव्यू कीती। हर एक दी जिंदगी च मैनू कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलदा सी ते इह वी मिलदा सी कि जदों भी कोई फेलियर आउंदा है, एक दरवाज़ा बंद हुंदा है तां दूजे दरवाजे वाल नूं मुड़ जाओ। शायद ये मेरी जिंदगी लई एक अलादीन दा चिराग साबित हो रहा सी। हुण मेरी जिंदगी दे विच ओ मौका आया जो हर एक कुड़ी दा सुपना हुंदा है, यानी कि मेरा विआह। मैं एक बहुत ही प्यारे शख्स दे नाल विआह करवाया, पर हुण मैं टीवी एंकर, अध्यापक दे नाल नाल एक नूंह भी सी, एक पत्नी भी सी, एक भाभी भी सी। साडे समाज दे विच एक विआही औरत नूं उन्नी आज़ादी नहीं मिलदी जिन्नी एक कुआरी औरत नूं मिलदी है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे सहुरे परिवार ने मैनूं किसी चीज़ तो रोकिया, मेरे सहुरे परिवार ने मैनूं बहुत सपोर्ट किया, पर मेरे नाल दे लोग हमेशा मैनूं चितारदे सन कि करियर वल घट ध्यान दे, क्योंकि जिहड़ियां कुड़ियां करियर वल ज़्यादा ध्यान दिंदियां ने ना उन्हां दे घर नहीं वसदे। ये डर लगातार मैनूं अंदरों कचोटन लगा। हुण मैं मैंटल स्ट्रैस दे विच आउणा शुरू हो गई। इस दौरान मैं एक बहुत ही प्यारे जे बेटे नूं जन्म दिता। जिवें कि आम औरतां दे नाल हुंदा है, बच्चे दे जन्म तो बाद वजन दा वध जाना। सो 58 किलो दी एक सोहनी दिख वाली कुड़ी 85 किलो दी एक औरत बन गई, जो कि मेरे लिए एक बहुत वड्डा झटका सी। ये झटका खास तौर पर मेरे टीवी दे करियर ते बहुत भारी पिया। सिर्फ मेरे नाल काम करदे लोकां ने ही नहीं, दर्शकां ने भी मैनूं कहना शुरू कर दिता। मैनूं याद है मेरे गवांढ दी एक औरत ने मैनूं एक वारी किहा, कुड़िए गल सुन, आ दूरदर्शन वाले इन्नियां मोटियां मोटियां कुड़ियां भी एंकर रख लेंदे ने। ये गल ना मेरे दिल च चुभ गई। मैनूं लगा शायद ये मेरी टीवी लाइन दा, मेरे मीडिया करियर दा अंत है। मैं बहुत ही भारी दिल दे नाल अपने टीवी दे करियर नूं अलविदा कह दिता। हुण मैं अपना पूरा ध्यान अध्यापन वाल लगा दिता। मैं एक चीज़ होर नोटिस कीती कि मेरे कोल पढ़ रहे बच्चों नूं, खास कर जिहड़े हिंदी जां पंजाबी मीडियम दे बच्चे सी, उन्हां नूं किताबां दी बहुत घाट सी। हर एक सबजैक्ट दियां किताबां जिहड़ियां सी वो अंग्रेजी दे विच उपलब्ध सन, हिंदी पंजाबी च मिलदियां ही नहीं सी। सो मैं सोचिया क्यों ना हुण यही बीड़ा चुक्या जाए, क्योंकि मैनूं हमेशा लोकां दी मदद करना चंगा लगदा सी। मैं एक साल दे विच 4 जर्नलिज्म दियां किताबां हिंदी ते पंजाबी मीडियम दे विच लिखियां, ताकि मेरे पढ़ रहे विद्यार्थियों नूं किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना ना करना पवे। पर यह सब करदिया करदिया मैं अपने शरीर नूं किते अखियों परोखे कर दिता। मैनूं बहुत सारिया शरीरक मुश्किलों का सामना करना पिया, बहुत सारे मैडिकल इशूज़ दे नाल मैं जूझ रही सी। ते एक दिन मेरे 4.5 साल दे बेटे ने कहा, मम्मी तुसी अपने स्टूडेंट्स नूं ना मेरे नालों ज़्यादा प्यार करदे हो, क्योंकि तुसी उन्हां नाल ज़्यादा काम करदे हो। ये गल भी किते ना किते मेरी अंदर दी मां नूं बलूंदर गई। मैं एक चीज़ सोचदी है ना, औरत हमेशा दूजियां लई जींदी है, उसदे अपने सपने, उसदियां अपनियां इच्छावां कई वार दूजियां नूं खुश करन दे लई दब जांदियां ने। पर फिर भी मैं हार नहीं मनी। हाँ, मैं एक ब्रेक जरूर लिया। आखिरकार बिना कुछ सोचे समझे मैं अपने अध्यापन के किते तो भी रेजिग्नेशन यानी कि अस्तीफा दे दिता। हुण मैं पूरी तरह परिवार नूं समर्पित हो गई। मैं सवेर तो लैके रात तक घर दा काम कर रही सी। एक चंगी पत्नी, एक चंगी माँ, एक चंगी नूंह साबित होना चाह रही सी। पर किते ना किते मेरे अंदर एक दर्द सी, क्योंकि वेला रहना मेरी डिक्शनरी च नहीं सी। एक दिन मेरी एक सहेली का फोन आया तो उसने पूछा, शाइना आजकल की कर रही हैं? मैं क्या घरे हुन्नी हाँ। कहती, अच्छा वेली रोटियां तोड़दी हैं। ये तो मेरे आत्म विश्वास से एक बहुत वड्डी सट सी। मैं उस दिन सोचिया बई कुछ तो करना है। मैं इंटरनेट पर गई। उन्होंने दिनों फेसबुक बहुत पॉपूलर हो रहा सी। मैं इंटरनेट पर जाके फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया जिस विच मैं अपने वर्गियां औरतां नूं लैके इकट्ठा किया। असीं उत्थे ओह सारा कुछ एक दूजे नाल सांझा करदे सी जो सानूं आउंदा है। जो चीज़ मैनू आँदी सी मैं किसी होर नूं सिखाउंदी सी, जो किसी नूं आँदा सी वो मैनू सिखाउंदे सी। एक बहुत ही प्यारा संबंध साडे विच स्थापित हो गया। एक बार किसी ने कहा कि असीं ऑनलाइन तो मिलदे हां, क्यों ना एक बार असल जिंदगी च इकट्ठे होइए। ये गल मैनू भी जच गई। मैं सोचा चलो मिलदे हां, एक छोटा जिहा इवेंट ऑर्गेनाइज करदे हां। मैं पूरी शिद्दत नाल उस ईवेंट नूं ऑर्गेनाइज कीता, क्योंकि वो ईवेंट मेरे लिए किसी विआह तो घट नहीं सी। 50-60 औरतों का यह ईवेंट मेरी जिंदगी च कितना वड्डा बदलाव लियाएगा ये मैनू भी नहीं सी पता। वो ईवेंट इन्ना वधिया गया, इन्ना सक्सैसफुल होया कि जलंधर तो बाहर दीआं औरतां ने मैनू फोन करने शुरू कर दिते, शाइना सानू भी अपने ईवेंट च बुला। इस तो बाद एक तो बाद दो, दो तो बाद चार, चार तो बाद 8 ईवेंटां की लड़ी लग गई। हुण ईवेंट सिर्फ मैनू बिजी रखण दा एक जरिया ही नहीं सी, बल्कि मेरा किता बन गया, क्योंकि मैनू इस तो इनकम भी होण लग पई। नाल दी नाल मैं अपने वर्गियां औरतां नूं बाहर निकलण दा मौका दे रही सी। मैं औरतां ते बच्चों लई टैलेंट हंट्स, सोशल इवेंट्स करवाने शुरू कर दिते। मेरी इस सक्सैस नूं वेखदे होया बहुत सारे नैशनल टीवी चैनलों ते बहुत वड्डे कलाकारां दे ईवेंट्स ऑर्गेनाइज करन दा मैनूं मौका मिलिया। पर फिर गड्डी ली ते वापस, क्योंकि मेरे परिवार नूं उन्ना समा नहीं सी मिल रहा जिन्ना उन्होंने चाहिदा सी। हर वार मैं उड्डन की कोशिश करती सी पर मेरियां जिम्मेवारियां मैनू वापस खिंच लैंदियां सी। यही एक औरत की असल जिंदगी है, वो जिन्ना मर्जी उठना चाहे पर जो परिवारक रिश्ते, जो परिवार का प्यार ते जिस तरह परिवार नूं बन के रखना चाहती है सब कुछ उसके मोढियां ते आके बह जाता है। मैं इस बोझ तो भजना नहीं सी चाहती, सो एक बार फिर मैं ईवेंट्स नूं छड्डन दा फैसला लिया। पर हुण मैनूं लोकां दी जजमेंट दा सामना करना पै रिहा सी। मैं किसी नूं अपनी कहानी सुना के सिंपथी गेन नहीं सी करना चाहती, पर लोकां 'च घुसर-मुसर शुरू हो गई। मेरे नाल दियां खासकर अध्यापकावां या मेरे नाल काम करदे होर लोग ये गल्लां करन लग पे कि शाइना एक फेलीयर है। मैं जिंदगी नाल कदम मिला के अगे वधना चाहती सी। जिंदगी मैनूं जो भी दे रही सी मैं खुले हत्थां नाल स्वीकार करना चाहती सी। मैं अपनी खुशी दे लई अपने परिवार दी खुशी नूं पिछे नहीं छड्डना चाहती सी। बहुत सारियां औरतां दी कहानी हुंदी है कि वह पूरी तरह टाइम नूं मैनेज नहीं कर पाउंदियां, किते वह अपने करियर दे पिछे भज रही हुंदे ने, किते परिवार दे ते किते लोकां दी जजमेंट्स दा जवाब देण विच अपना समा बर्बाद कर लैंदियां ने। मैं भी इहो कुछ कीता ते इस चक्कर दे विच मैं एंग्जाइटी दी शिकार हो गई। जदों मैं अपने आप नूं घोखण दी कोशिश कीती तां मैं देखिया कि मैं डिप्रैशन दी एज ते जा रही हां और उस विच आके मैं चीज़ां नूं छड्डना शुरू कर दिंदी सी। मैं कदे इह नहीं सोचिया कि मैं हर चीज़ नूं इकट्ठा लैके किवें तुरना है। जदों मैं अध्यात्म दे वल वधी मैनूं इस चीज़ दी समझ लगी। मैनूं समझ लगी कि असली शांति भटकाअ च नहीं टिकाअ च है ते इह टिकाअ हमेशा भटकाअ तों बाद ही आउंदा है। तुहाडी लाइफ दा मैस ही तुहाडा मैसेज बनदा है। जिन्ने चैलेंजेस जिन्नियां मुश्किलां एक औरत दी जिंदगी च आउंदियां ने, जे ओह उस तों लैसन लैके उस तों एक मैसेज लैके उसनूं अपनी जिंदगी दा एक जरिया अगे वधण दा एक तरीका बना लवे तां तुसीं अनस्टॉपेबल हो जांदे हो। एक औरत बहुत सारे रोल प्ले कर सकती है, मल्टी पैशनेट हो सकती है, मल्टी पोटेंशियलेट हो सकती है, मल्टी टैलेंटेड हो सकती है। सो अज ही अपने आप अंदर देखो तुहाडे अंदर किन्ने टैलेंट छुपे ने, किन्ने पैशन छुपे हुए ने। हर एक पैशन नूं बनदा समा दो, हर एक फैमिली मैंबर नूं बनदा समा दो ते एक दिन देखोगे तुहानूं सफल होण तों कोई नहीं रोक सकता। अज मेरे कोल दुनिया भर तो 7,000 तो ज़्यादा औरतां सकारात्मक तकनीकां सीखण वास्ते आ रही ने, बहुत सारे कोर्सिज करन लई आ रही ने। मैनूं लगदा है हुण मैं सफल हाँ ते हुण मैं बहुत फखर नाल लोकां नूं कहनी हाँ। जदों कोई पुछदा ना कि शाइना तुसीं करदे की हो तो मैं कहनी हाँ मैं बहुत कुछ करदी हाँ ते कई बार बहुत कुछ करना बहुत जरूरी होंदा। जोश टॉक्स उन स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है जिहदे नाल जोश टॉक्स दियां सारियां कहानियां ऑडियो फॉर्मेट च वी उपलब्ध होणगियां सिर्फ ते सिर्फ स्पॉटिफाई ते हाँ जे ए वीडियो चंगी लगी तां जोश टॉक्स पॉडकास्ट नूं तुसीं स्पॉटिफाई ते फॉलो कर सकदे हो एंड सुन सकदे हो इह जिहियां होर बहुत सारियां इंस्पायरिंग कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई ते। इस वीडियो बारे अपनी राय कमेंट सैक्शन विच सानू दसो अते अपने मित्रां नाल ए वीडियो शेयर करना ना भुल्लियो।